दोस्तों आज हम शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म वीरजारा के बारे में 20 अनसुनी और रोचक बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है इनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। वीरजारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज वाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्ता, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड्स मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले कहां आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीरजारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोरी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज उन्हें काफी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों से रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम है कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बनाया गया था। फिल्म में मनोज वाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीरजारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आसमा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई थी। फिल्म के आखिर में कोर्टरूम में दिखाया गया शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन में कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रिटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी इन्होंने ही किया था। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। बॉलीवुड के दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।